हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। तो अभी हम पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं और पटना का जो लेटेस्ट अपडेट है, मेट्रो का भी काम चल रहा है और पहला मेट्रो स्टेशन जो गांधी मैदान से पूरे पटना को कनेक्ट करेगी, जो 202 मीटर लंबा होगा, उसी के बारे में दिखाएंगे। और सुरंग बनाने वाली जो मशीन है, जो अंडरग्राउंड सुरंग बनाएगी ज़मीन के अंदर, तो सारा कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरे ब्लॉग पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नो बकचोदी, नो बकवास, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं। जो मेट्रो स्टेशन का गेट होगा वो फर्स्ट गेट ये होगा और आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे DMRC दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के तहत यहाँ पे काम चल रही है। और जो मशीन के बात हम कर रहे थे वो रेड वाली मशीन ये है, जो ज़मीन के अंदर सुरंग बनाएगी, जो डबल मेट्रो स्टेशन का काम होगा यहाँ पे हो रहा है। और जो अभी हम आप लोग को बता दें तो अभी हम मगध महिला कॉलेज के जस्ट बगल में खड़ा है और सारा कुछ आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो कितना अच्छा नज़ारा होगा जब मेट्रो स्टेशन पटना में बनकर तैयार होगा। तो आज का ये लेटेस्ट ब्लॉग जो मेट्रो वाला हम दिखा रहे थे, आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और हिस्टोरिकल ब्लॉग के लिए हमारे चैनल आबिद सिटीजन ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।